हेलो, तो हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपके लैपटॉप या मोबाइल में कोई समस्या आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास दो या तीन तरीके हैं, या तो आप इंटरनेट पे जाएंगे, या तो आप हो सकता है सर्विस सेंटर जाएं, या हो सकता है अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको इसके बारे में नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो अपना लैपटॉप लेके उसके पास जाएं, या तो उसको फ़ोन करके बुलाएं, या तो आप कॉल करके उससे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि इन फॉर सम प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि अगर हार्डवेयर का कोई इशू होगा तो आप किसी फ्रेंड को कॉल करके आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और मोस्टली क्या होता है कि जो भी आपके पेरेंट्स होते हैं उनको इस तरह की समस्या ज़्यादा आती है कि वो समझ नहीं पाते कि लैपटॉप में कैसे क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी कॉमन है। तो होता क्या है कि हमें करना क्या है कि एक एनी डेस्क नाम का सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करना है, और उसके थ्रू हमें कोई भी मोबाइल या लैपटॉप हम एक्सेस कर सकते हैं, और इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है तो आप मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे इसको कनेक्ट करना है और कैसे दूसरे का लैपटॉप आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अपनी आईडी किसी से भी शेयर ना करें, कोई भी जो अननोन हो, या अगर इनफैक्ट कोई भी शॉपकीपर है या कोई भी सर्विस सेंटर वाला है तो उसके साथ आप ये सब आईडी वगैरह शेयर ना करें, तो थोड़ा सिक्योरिटी आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी मोबाइल में ओपन है एनीडेस्क, मतलब यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा, और इसको मैं क्लिक करूँगा तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे योर एड्रेस के सेक्शन के नीचे यहाँ पे मेरी कुछ आईडी दी हुई है। तो अगर कोई एनीडेस्क का यूज़र है जो इस मोबाइल को एक्सेस करना चाहता है, उसको ये आईडी रिक्वायर्ड होगी इस मोबाइल से कनेक्टिविटी के लिए। तो उस आईडी को हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे और जस्ट हमें ये बटन क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंट्रोल, उस सिस्टम का कंट्रोल हमारे पास होगा। और अगर हम लोग बात करें सिस्टम की, तो यहाँ पे सर्च बार में जाइए, मैं सारे वीडियो जो भी सॉफ्टवेयर से उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके लैपटॉप के लिए या मोबाइल फ़ोन के लिए आप नॉर्मली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर है, और इसे इंस्टॉल भी इनफैक्ट नहीं करना होता है, बस आप इसे डाउनलोड करिए और यूज़ कर सकते हैं आप नॉर्मली। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मेरी आईडी यहाँ पे एनीडेस्क एड्रेस जो लिखा है इसके नीचे हमारी आईडी शो हो रही है। तो करना क्या है कि ये जो रिमोट डेस्कटॉप है, जैसा कि हमारे मोबाइल का अगर एड्रेस है वो मुझे अगर पता है, या मेरे लैपटॉप का एड्रेस मुझे पता है, तो मैं मोबाइल में उसको टाइप करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो चलिए क्या करते हैं कि ये जो लैपटॉप है इसको एक्सेस करते हैं मेरे मोबाइल के थ्रू, यानी कि ये जो लैपटॉप में एड्रेस दिया हुआ है इसको मैं अपने मोबाइल के एनीडेस्क के सॉफ्टवेयर में एंटर करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली मुझे ये राइट एरो का बटन प्रेस करना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक कनेक्शन रिक्वेस्ट आ चुकी है लैपटॉप में, और ये हमसे पूछ रहा है कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro ये आपसे would like to view your desktop। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ तो नॉर्मली मैं सारा एक्सेस जो है अपने इस मोबाइल फ़ोन को दे दूंगा। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आप चाहें तो लैपटॉप का माइक ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं, आप चाहें तो टेक कंट्रोल को ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें फीचर्स हैं, आप यूज़ करेंगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसे, तो सिमिलरली सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ मोबाइल पे मेरे पास अब इसका कंट्रोल आ चुका है, और अब मैं यहाँ से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अब जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम करूँगा उस तरीके से हमारे लैपटॉप में होगा। सपोज कि मुझे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ, फिर मुझे डी ड्राइव में अगर जाना है तो कुछ इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ये जो फीचर है, आप अपने किसी ग्रैंड पेरेंट हैं या पेरेंट हैं या कोई फ्रेंड है जिनकी हेल्प आप करना चाहते हैं या जिनसे आप हेल्प लेना चाहते हैं, उनको इस बारे में आप बता सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रहे कि आपको ये आईडी जो है वो किसी से भी शेयर नहीं करनी है, मतलब इनफैक्ट अननोन पर्सन से शेयर नहीं करनी है, आप उसी से शेयर करें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लैपटॉप या मोबाइल के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करिए
साथ में सॉल्व करते हैं, मे बी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू।